बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके छोटे बच्चों की टांगें कमज़ोर हों, उनके वालदैन को चाहिए कि जैतून के तेल से बच्चों की टांगों की मालिश किया करें। इससे बच्चों की जो टांगें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अपने नौकरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जन्नत ऐसे लोगों की मुश्ताक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान है। सबसे पहला, आँखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपकें। दूसरा, दिल का सख्त होना। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना। चौथा, दुनिया का लालच।